नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिन लोगों ने गूगल में अपनी सर्चिंग लगाई थी, ठीक सर्चिंग के ऊपर गूगल डूडल ने एक नई चीज़ आपको देखने को मिली थी, बिल्कुल आपके स्किन में दिख रहा वैसा ही। क्या आपको पता है ये किस चीज़ का फोटो है और क्यों आज इसे लगाया गया था? जिन लोगों को नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये मार्गरेट हैक का 99वीं जयंती पर गूगल ने उसे सम्मान के तौर पर ये फोटो लगाई। मार्गरेट हैक के बारे में जिन्हें नहीं पता, उनके जानकारी के लिए हम बता दें कि मार्गरेट हैक का जन्म आज ही के दिन 1922 में फ्लोरेंस में हुआ था। भौतिकी में पढ़ाई करने से पहले उन्होंने साहित्य में सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कक्षा ली। 1945 में सोफिड वेरियल्स पर अपनी थीसिस की रक्षा के बाद हैक ने फ्लोरेंस के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एक्ट्री एक खगोल शास्त्री के रूप में अपनी योगदान दिया। 1964 में हैक ने टॉरेंट चालू किए गए, जहां उन्होंने केवल शहर के विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रोफेशनल की अर्जित होने वाली पहली इतालवी महिला के रूप में इतिहास रचा। बल्कि ट्रस्ट ने खगोल विद्यालय शाला भी पहली महिला के निर्देशक में वो खोली। 20 से अधिक वर्षों के लिए उन्होंने ट्रस्ट की वेधशाला की एक बड़ी पैमाने पर गुमनाम संस्थान से वैज्ञानिक प्रगति के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध गठजोड़ में बदल दिया। इन विशिष्ट नवाचारों में खगोलीय समुदाय के हैक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की, जिसके कारण नासा और यूरोपीय अंतरिक्षीय एजेंसी में उसे बहुत सम्मान मिला। आज जनता को जटिल वैज्ञानिक जो भी समझने की क्षमता है, वो उनके वजह से है। उन्होंने अपने जीवन भर की उपलब्धियां के लिए कई प्रशंसा मिले। विशेष रूप में उसने क्षुद्रग्रह 8558 हैक, जो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रम करता है, जिसे 1995 में उनके सम्मान में नामित की गया था। 90 साल की उम्र में उसने इतालवी सरकार को अपने सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किया, दमा की उपाधि द ग्रैंड क्रो। गूगल ने उसकी जन्मदिन मुबारक हो, इसीलिए मार्गरेट हैक का पिक्चर आज गूगल में लगा हुआ है और उसके जस्ट नीचे 8558 हैक ऐसा करके लिखा हुआ है।